लग गए, लेकिन किसी ने धनुष को हिला नहीं पाया। अब तो महाराज जनक खड़े हो गए, कहने लगे आज मुझे पता चला कि ये पृथ्वी ये वीरों से खाली हो चुकी है। इस पृथ्वी पर कोई वीर वीर नहीं है, ये पृथ्वी वीरों से हीन हो चुकी है। पहुंचे इधर महाराज बैठे हुए जो बड़े बड़े
राजा गढ़ से वो सभी देख करके राम जी को हंसने लगे। अरे भैया देखो तो सही, हमने धनुष को हिला भी नहीं पाया और ये देखो चीटी चली पहाड़ को उड़ाने, ये धनुष को तोड़ लेंगे। अब तो महाराज भैया सुनेना, सारी सखियां सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज महाराज इस प्रकार से जैसे ही राघव जी धनुष के पास में पहुंचे, उसी समय आज सारे जनकपुर के वासियों ने, नर नारियों ने अपने नेत्र अपने पलक पकड़ करके खड़े हो गए, अपने पलकों को पकड़ लिया ताकि राघव जी जब धनुष तोड़े तो हमारी ये पलकें ना गिर जाएं, कहीं हम ये दृश्य न देख पाए, इसलिए अपने पलकों को पकड़ करके खड़े हो गए। आज राम जी धनुष को उठाते हैं, आज हमारा धनुष को उठाते तो देखा, लेकिन पता नहीं कितने टाइम धनुष को तोड़ दिया, ये किसी ने हुए। अब जानकी जी बरमाला लेकर के आते हैं राघव जी को पहनाने के लिए। बहुत जाओ बेटी, अरे ललित सीता पहुंचो। अब भैया सीता जी जैसे पहुंची, अब वहां का नजारा क्या है, अब राम जी तो लंबे हैं, सीता जी छोटी हैं। सीता जी पहुंच नहीं पा रही हैं, तो सखियां कहने लगी राम जी अरे हमारी बिटिया छोटी है आप झुक जाइए। राम जी कहने लगे हम छत्री हैं कहीं झुकते नहीं है। सखियां कहने लगी देखो राम जी, कोई भी व्यक्ति कभी जीवन में कहीं नहीं झुका हो, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े अच्छे झुक जाते हैं। अब तो राम जी और सीना तान के खड़े हो गए, हम झुकने वाले नहीं है, झुकने वाले झुकते होंगे लेकिन हम झुकने वालों में नहीं है। अब राम जी सीना तान के खड़े हो गए। सखियां प्यार से कहती हैं राजा जी वो झुक जइयो रे, झुक जइयो रे, अरे झुक जइयो रे तनिक रघुवीर सिया मोरी छोटी।
राघव जी पर कोई असर नहीं, राघव जी तो खड़े हैं। अब लक्ष्मण ने देखा कि इतने दिनों के बाद में ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना हम अच्छे काम में, फिर देरी कैसी होनी चाहिए, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तो लक्ष्मण जी ने मौका देखा और आज लक्ष्मण जी ने विचार किया क्या करें जिससे भैया जी झुक जाए। तो आज लक्ष्मण जी उठे और उठ करके राघव जी के चरण स्पर्श करने लगे। अब जैसे ही चरण स्पर्श किए और जैसे ही भगवान ने लक्ष्मण जी को उठाया, तो सीता को मौका मिल गया, सीता ने तुरंत करवाना। बोली गोविंद भगवान की। तो आज इस प्रकार से महाराज सीता जी वरमाला पहनाते हैं, सभी बड़े प्रसन्न होते हैं। अब माताएं तो बिल्कुल बैठी हैं, अगर बिटिया जयमाला की स्टेज पे जाए फिर देखो भैया और भाभी, ताई ताऊ, मम्मी पापा, मामा माई, सब जामे आशीर्वाद देवे, लेकिन यहाँ कोई नहीं उठ रहा। वहाँ बैठ जाओ, चला है बैठ जाओ। कुछ लोग तो आराध्या अच्छे खासे, और जैसे